क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल माखीदा गांव पहुंचकर सरपंच रमेश चंद पालीवाल के भाई घनश्याम पालीवाल के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल माखीदा जाते समय लवान रेलवे स्टेशन से लेकर माखीदा तक जर्जर क्षतिग्रस्त सड़क की हालत देखकर नाराज हुए। इस पर कलेक्टर शायबा से बात कर हालात के बारे में अवगत कराया। रोड की स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़क से धूल मिट्टी उड़ती रहती है और लवान स्टेशन पर आए दिन जाम लग जाता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों से बातचीत कर 8 दिन के समय में सड़क को सही कराने के लिए अल्टीमेट दिया गया है। 8 दिन में सड़क सही नहीं हुई तो पार्टी के कार्यकर्ता व आमजन सड़कों पर उतर जाएंगे। 8 दिन पुलिया वाले रोड का निरीक्षण किया और कार्यकर्ता भी मेरे साथ थे। उसमें मैंने पाया कि पूरी तरह से रोड 8 लेन के जो भारी वाहन निकल रहे हैं उनकी वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालात ये हैं कि सड़क तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है और मुझे लगता है यही हालात रहे तो ये दुर्घटनाओं को बढ़ाने वाली बात है। मैंने प्रशासन से बातचीत की है, कलेक्टर साहब से भी कहा है मैंने, और हाईवे वालों से भी बातचीत करके ये डब्ल्यू वालों के मार्फत उनसे चर्चा करके, और निश्चित तौर पर हम उनको 8 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि पूरी की पूरी विधानसभा में, चाहे हम सुमेरगंज मंडी की बात करें और भी जगह की बात करें, जहाँ जहाँ से वो मिट्टी निकाल रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं, पूरी सड़कें हमारी ख़त्म हो चुकी है। जल्दी से जल्दी विभाग इसकी ओर ध्यान देकर सारी सड़कों की मरम्मत कराए, वरना 8 दिन का हम लोगों ने उन्हें समय दिया है, 8 दिन बाद जनता और सारे हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर आके निश्चित तौर पर उनको बताएंगे कि आपकी गलती की वजह से जो सड़कें टूट रही है उसका खामियाजा जनता भुगत रही है और इसका नतीजा वो भुगतने को तैयार है। ये मैं जनता को विश्वास दिलाती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन को जो हमने चेतावनी दी है, प्रशासन जिस तरह से हमें लग रहा है कि सोया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की कोई सुनने वाला नहीं है, इस तरह का जो टामाटोल करने वाली स्थिति चल रही है इस पर विचार कर ले प्रशासन, और पूरी तरह से हम मैदान में आने को तैयार है, सड़कों पर आने के तैयार है। लगातार जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू कर देंगे तो ठीक है, वरना पूरी जनता मैदान में आप लोगों के सामने रहेगी, यही मेरा इसमें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।